हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि मौसम बदलते रहता है। कभी बदल करता है तो कभी पानी गिरने लगता है। तो इसलिए हम लोग आज बना रहे हैं प्याज भाजी का बड़ी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बेसन आधा किलो हो गया और यहाँ दो साइज बड़ा साइज था प्याज का, तो ये अपन काट के डाल दिए हैं। और ये है प्याज भाजी, ये अपने बगान में था दोस्तों। अपन प्याज लगाए थे तो वहाँ क्या बोलते हैं, उसका जो प्याज लगा रहता है, उसका जो भाजी होता है ऊपर जो निकले रहता है, वैसी भाजी को मतलब लेके आए अपन। ताज़ा अपन बारी में लगाए हैं प्याज, तो उसी से निकाल के लेके आए काट के। और यहाँ पे काट के इसी का बनाएंगे अपन भजिया। तो देखिए देसी तरीके से। और यहाँ देखिए ये सबको मिला लिए हैं। और यहाँ अदरक मिर्ची को जो कूट के रखे थे इसको डाल दिए। यहाँ पे मसाला डाल दिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और दोस्तों देखिए, हमारी बीवी हमारे पत्नी जो हैं, ये यहाँ पे इसको मिलाने लग गए। अच्छे से फेंटेंगे हल्का हल्का पानी डाल के, ताकि ज़्यादा गीला ना हो ये। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे जो पत्नी जी हैं उनके हाथों में दर्द होने वाला है, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा, फेंटना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से बड़ी बनेगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे अच्छे से मिलाने फेंटने पे लगी हुई हैं हमारी पत्नी जी। और सुबह सुबह का मौसम था दोस्तों, और मौसम भी ऐसा था कि पानी गिर रहा था, बारिश हो रहा था। तो हमारा मन किया नहीं, आज बनाया जाए गरम गरम भजिया, खाएंगे आज देसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इसको फेंटते 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 ही जा रहे हैं अभी भी। हम बताया ना दोस्तों, मेरी जो पत्नी जी हैं उनके हाथों में दर्द होने वाला है। अब तक में तो इतना फेंटाई होगा इसका कि इसमें क्या है, गुठली नहीं होना चाहिए दोस्तों। पूरी तरह से इसका जो लम्स होता है वो नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से फेंटाई होगा इसका। ये देखिए थोड़ा बहुत फेंटा गया है, ये देखिए सब कुछ मिला हुआ है इसमें। प्याज भाजी है, प्याज भी था दो ठो बड़ा साइज, तो उसको डाल दिए काट के। नमक भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसमें मसाला भी डाल दिया, तो मसाला भजिया हो जाएगा जी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चावल का जो आटा था वो डाल दिए हम यहाँ पे, इससे क्या है थोड़ा कुरकुरा बनेगा भजिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा फिटाई हो गया है, इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा अजवाइन अपन डाल रहे हैं। अजवाइन क्या पाचन के लिए अच्छा होता है, कि तेल वाला चीज़ है तो तेल वाला चीज़ खाने से क्या अपच हो जाता है पेट में, तो थोड़ा सा अजवाइन डाल दो तो टेस्ट भी अच्छा आता है और आपका पाचन भी अच्छा होगा। यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दें और हमारे पत्नी जी ये देखिए डाल रहे हैं बढ़िया, छोटा 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 करके अच्छे से। ये देखिए डाल चुके हैं यहाँ पे, ये हल्का ब्राउन हो गया है देखिए। अब इसको चला देंगे, पलट देंगे अच्छे से, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पके। देखिए दोस्तों, ये दोनों तरह से बढ़िया पक गया है और कुरकुरा भी बढ़िया बना है। अब इसको निकाल लेंगे छन्नी की सहायता से। और तेल पूरा छन जाए इसलिए अपन ऐसे ऐसे मतलब उछालते हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरी बार बना रहे हैं, एक बार निकाल लिए, दूसरी बार फिर से डाल रही हैं हमारी पत्नी जी। ये देखिए हाथों की सहायता से, आप लोग चाहें तो आप लोग चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग हाथ से ही डालते हैं। गांव का मतलब वो है सिस्टम है, अपन चम्मच उम्मच से नहीं डालते।
देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी पक गया है, और ये देखिए इतना सारा बना के रखे हैं अपन। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।